हेलो एवरीवन, ये संडे का वीडियो है। आज लेट अपलोड कर रही हूँ। ये मेरे मायके के टेरेस गार्डन का है। ये मेरी मम्मी के लगाए हुए प्लांट्स हैं। मोस्टली यहाँ पे आपको फ्रूट्स वेजिटेबल यही दिखेंगे। ये क्या कहते मेरे ख्याल से तिल का पौधा है, मुझे पता नहीं है, शायद तिल है। इसके पीछे पपीते का है। एक बार की तो उन्होंने हार्वेस्टिंग कर दी है और ये दोबारा हो गया है। और ये अपराजिता, ये तो मैंने ही लगाया था, क्योंकि मैं अपने यहाँ से फ्लावर के ही सीड वगैरह लेकर आती हूँ या प्लांट्स लेकर आती हूँ। मम्मी को शौक़ नहीं है फूलों का, तो मैं ही ज़बरदस्ती यहाँ आके लगा जाती हूँ। और ये इसमें जैसे फलियाँ वगैरह दिख जाती, जब भी मैं आऊँगी यहाँ देखती हूँ अपने फ्लावर के पौधों को, तो मैं तोड़ के फेंक देती हूँ। ये तोरी का पौधा है, इसमें एक छोटी सी तोरी आ गई है। जो उत्तराखंड के लोगों में उनको पता होगा कि आजकल श्राद्धों में तोरी के पौधे की क्या वैल्यू है, क्योंकि हमारे यहाँ ना पितरों को इसमें ही तोरी के पत्तों में खाना देते हैं। और ये पड़ोसियों का टेरेस है। देखिए, कोई भी घर आपको बिना किसी प्लांट के दिखेगी नहीं, सब्जी का हरियाली ही दिखेगी। और तोरी तो हर किसी के घर में ही दिखेगी आपको। आजकल तो ज़्यादा ही डिमांड रहती है तोरी के पत्तों की, क्योंकि बहुत रेयरली मिलते हैं। दूसरा ये देखिए, ये रस भरी का पौधा है। मुझे लगा कोई बेल वाला कोई प्लांट है, फ्लावर होगा शायद, तो बाद में मम्मी से पूछे पता चला ये रस भरी का है। और ये शुगर वालों के तो मतलब अमृत है। इसके बारे में फिर मैंने पढ़ा तो इसे पोटेशियम वगैरह काफ़ी मतलब भरपूर मात्रा में है और इजीली लग जाता है। इन्होंने कहीं से मार्केट से खरीदे थे रस भरी, वो ऐसे बीज फेंक दिए तो अपने आप ही ग्रो हो गया। अच्छा, इसमें कोई खाद पानी भी नहीं डाल रखा। एक बार उखाड़ा दोबारा, मम्मी कह रही अपने आप ही लग गया। ये देखिए शायद लोबिया का है, इतने भर के लग रहे। एक टाइप की सब्जी तो लगी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा वीडियो?